नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में रोज एक नया मोड़ सामने आ रहा है, जहां एक तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी और एससी एसटी अपने समायोजन की लड़ाई पर उतारू हैं, पर वहीं सवर्ण शिक्षक अभ्यर्थी भी अपने समायोजन की मांग करते नजर आ रहे हैं और अब पूर्व सैनिकों ने भी अपनी मांग उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रख दी है। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में भर्ती हेतु 1145 भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1078 भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हुए और 426 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को विशेष आरक्षण में नियुक्ति मिल चुकी है। इस प्रकार 652 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं। पूर्व सैनिकों के अनुसार 69,000 सीटों में सैनिक आरक्षण के तहत 3,450 सीटें मिलनी चाहिए। जब कम अभ्यर्थी शामिल हुए तो मानक और दक्षता में छूट जरूर मिलनी चाहिए, जिससे आरक्षण व्यवस्था का सही लाभ पूर्व सैनिकों को मिल सके। हम लोग सभी भूतपूर्व सैनिक हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी वैकेंसी अधिक थी और लोग हम कम थे, कंपटीशन कोई नहीं था। इसके बावजूद भी हमको नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि राज्य सरकार का नियम यह है कि यदि भूतपूर्व सैनिक निर्धारित सीमा तक चयनित नहीं हो पाते हैं तो उनको शिथिलता देनी चाहिए। जब तक शिथिलता दी जाए तब तक उनका आरक्षण का कोटा पूरा न हो सके। इसके बावजूद भी एक नियम सुप्रीम कोर्ट से भी रूल आया, उसमें भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए लास्ट में एक लाइन दी हुई है कि एज पर नियम से इनको लिया जाए। नियम यह कहता है कि यदि ये संख्या बल में कम हैं तो इनकी नियमावली को यूज करते हुए इनका कोटा पूरा किया जाए। और यहाँ तक कि आज TGT में, PGT में, UPSC में, SDM, DM सभी में ये नियमावली का यूज हो रहा है, केवल राज्य सरकार सहायक अध्यापक भर्ती में इस नियम को यूज नहीं कर पा रही है। हम भूतपूर्व सैनिक पूरी तरह से पीड़ित हैं, पूरी तरह से परेशान हैं, हर किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी से मिल चुके हैं पर कामयाबी नहीं मिल रही है। बार बार हमें यही लगता है कि हमने सेना की सेवा, देश की सेवा की, बट आज हमारी कोई नहीं सुनना। थैंक यू सो मच। जो यहाँ डबल बेंच का आर्डर आया है उसमें भी हमारे लिए शिथिलता का आर्डर दिया गया है, लेकिन सरकार हमारी बात सुने तब चीटें 5% रिजर्वेशन दिया गया है, उसके अनुसार भी इन्होंने अवैध पासिंग मार्क हम पे लगा के थोपा है, जबकि हम इसके रूल में नहीं आते। अगर पासिंग मार्क लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए शिथिलता का एक ऑर्डर भी दिया है, उसको ये नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे। आप बताइए 3450 के सापेक्ष में 1078 कैंडिडेट, फिर भी हम नौकरी से वंचित। 2,500 सीटें तो पहले खाली आ रही हैं हमारी। जो सैनिक अपने घर बार सब छोड़ के देश की सीमाओं पर तैनात होते हैं उनका ही शोषण हो रहा है सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं सारे भूतपूर्व सैनिक कि हम लोगों की विशेष रूप से सुनवाई करके उन्हें नौकरी प्रदान करने का कष्ट करें। हम अपनी समस्या आपके अलावा किसको बता सकते हैं, और हम आप लोगों के कोर वोटर हैं, देश के लिए राष्ट्रवाद, हमसे ज़्यादा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है जो हम अपनी सीमाओं पे अपने प्राणों की आहुति देने को हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज के लिए हर कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, उसके बाद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो इसके लिए दोषी कौन। कृपया इस पर मंथन करें और चिंतन करें और हमारे बारे में विचार करें। धन्यवाद। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।